सबसे ताकतवर जाति दुसाद है, पासवान है। अब इंजीनियर राजकुमार पासवान कब मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तेजस्वी भाई चाचा लालू प्रसाद यादव जी, चाचा नीतीश कुमार जी कब सांसद बना रहे हैं? ये जातीय जनगणना भाई तेजस्वी यादव जी का है, ये जातीय जनगणना चाचा नीतीश जी का है। इस रिजर्वेशन से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा तो यही चिराग पासवान कुनमा को। ये पासवान पर इसलिए करवाई गई है जनगणना, वो गरीब दुसाद को मिलेगा। इस ताकत पे ये एनडीए से 6 गो सीट लेंगे, 7 गो सीट लेंगे। पहले 6+ थी और अब 5.311% घट गए आप लोग जी, घटा दिए हैं। अच्छा। जनसंख्या तभी ना बढ़ेगा जब हम ब्याह करके 7 गो बच्चा 9 गो बच्चा पैदा करेंगे, तभी ना होगा। अच्छा। और हमारी जाति कर रही है, मात्र 4-5 जातियां ही शादी किया, बच्चा पैदा किया, उनकी संख्या बढ़ गई। क्या बिहार के दुसाद पासवान धारी धड़ी समझे, ये लोगों ने शादी किया बच्चा पैदा नहीं किया क्या? बिहार के पासवानों से अपील करते हैं कि मुझे मदद करो, हमारी जाति के साथ खेला किया गया है। कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए 9 बच्चे को पैदा किया, जन्म दिया, तो हमारे जाति के भी दुसाद भाई लोग उस समय उस जमाने में 9 बच्चा 7 बच्चा 5 बच्चा से कम कोई पैदा नहीं करता था। माननीय शिक्षक महोदय से जब ये काम करेंगे तो कितना काम बेचारा करेंगे, पढ़ाएंगे कि जनगणना करेंगे, तो उन लोग भी मकान गिन करके गोटी बैठा दिया, फिट कर दिया। पटना में 4.5 लाख कायस्थ समाज है, लाला दरभंगा में लाला है, मुजफ्फरपुर में लाला है, सिवान में लाला है, 0.% दिखाया गया। अरे भाई ये जातीय जनगणना नहीं, ये बिल्कुल फर्जी जातीय जनगणना है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ और चाचा नीतीश कुमार के खिलाफ मैं और मेरी पार्टी बिहार के सभी पासवान भाइयों से बात हो रहा है। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नमस्कार, अभी हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, वही इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जो कि नीतीश कुमार जी के हनुमान के नाम से प्रचलित है। जहां पर एक और चिराग पासवान जी को कहते थे कि मोदी जी के हनुमान है, वैसे ही इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे जो नीतीश कुमार के हनुमान बनकर के बातचीत करते थे, चर्चों पर अपनी बातों को रखते थे। जब से जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी पूर्णता समर्थन दे रहे थे, सारे पार्टियां जहां समर्थन दे रहे थे वहीं इनका भी पूर्णता समर्थन था। लेकिन अब क्या इनकी राय, चूंकि जब कहा जाता था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो खुल के बोल रहे थे बिल्कुल होनी चाहिए, और जब हो गई है तब इन्हीं को तकलीफ है। क्या तकलीफ है इसके बारे में जानते, सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी। नमस्कार, क्या हो गया, अब जातीय जनगणना हुई है तब से देख रहे लगातार दहाड़े जा रहे हैं। देखिए अंकित जी, आपको बता दूं कि जातीय जनगणना का मैं जरूर समर्थक रहा, लेकिन बिहार सरकार से जो उम्मीद थी कि हमारी जाति बिहार के कोने कोने में जहां है, जिसकी गणना नहीं हुई थी और कम आंकड़े दिखाए जा रहे थे, वो आंकड़े शायद इस गणना में, इस जातीय जनगणना में हमारी जाति उभर करके खुल करके एक बड़ी संख्या में दिखेगी। लेकिन ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी भाई की जातीय जनगणना ने हमारे पासवान नेतृत्व के कारण, भाई चिराग पासवान के गंदी राजनीति के कारण, ये द्वेषता की के भाव से हमारी जाति को कम दिखाया गया, कम दिखा दिया गया। बिल्कुल, पहले कितना था साहब? ये बिल्कुल पहले 6+ थी और अब 5.311% घट गए आप लोग जी, घटा दिए हैं। अच्छा, वही मैं आ रहा हूँ अंकित जी। ये जातीय जनगणना भाई तेजस्वी यादव जी का है, ये जातीय जनगणना चाचा नीतीश जी का है। अच्छा, चाचा नीतीश जी का? ये बिल्कुल, ये जातीय जनगणना नहीं, ये बिल्कुल फर्जी जातीय जनगणना है। फर्जी जातीय जनगणना? बिल्कुल। अरे आप नीतीश कुमार जी का समर्थन करते थे, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। डंके की चोट पे मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने कहा था कि जब देश में ही अपने मुल्क में ही समाज और जाति पे खतरा आ जाए तो हम समाज और जाति के साथ खड़ा रहेंगे। वही इंजीनियर राजकुमार पासवान समाज जाति के साथ है, सीने पे गोली खाने के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी आपके समाज के साथ नहीं है, तेजस्वी यादव जी आपके समाज के साथ नहीं है साहब? होते ये बताइए, 2011 के बाद मात्र 4-5 जातियां ही शादी किया, बच्चा पैदा किया, उनकी संख्या बढ़ गई।
क्या बिहार के दुसाद पासवान धारी धड़ी समझे, ये लोगों ने शादी किया बच्चा पैदा नहीं किया क्या? एक चीज बता देता हूं जो हमारे पास आंकड़े हैं, मैं बिहार का भ्रमण किया हूं, हर एक प्रखंड जिला पंचायत घुमाऊं। आप बिहार के किसी कोने में चले जाइए, किसी जिला में चले जाइए, किसी प्रखंड पंचायत में चले जाइए, जिस पंचायत में यादव 500 घर है वहां पे 400 घर पासवान भी है, 350 घर पासवान भी है। जिस जिले के पंचायत में अगर 500 घर पासवान है वहां पे 400 घर 350 घर यादव भी है। अगर पूरे बिहार में ये रेशियो है तो भाई साहब वो 12 से 14% हो गया और हम 6.5% से घट करके 5.3% हो गए। आपके हिसाब से कितना प्रतिशत आप लोग? अभी कम से कम मिनिमम 8 से 9% होना चाहिए। अच्छा, 8 से 9% अभी वर्तमान में होना चाहिए। आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं अपने जाति के लोगों से जो मांझी टाइटल लगाते हैं, हाजीपुर से शुरू होता है, छपरा, गोपालगंज, सिवान, गोरखपुर बॉर्डर से पहले बिहार का बॉर्डर जो है वहां तक लोग मांझी लगाते हैं, कम से कम 1.5% लोग उधर है। अच्छा, इतनी बड़ी ताकत है। मुझे लगता है वो अनदेखी किया, ये जीतन राम मांझी वाला में मांझी समझ के शामिल कर दिए, ये गड़बड़ झाला हुआ। अच्छा, आपको बता दूं कि जब ये ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देख लीजिए भाई, चलिए वैशाली जिला, कम से कम 6 लाख पासवान आपको दिखेगा। चलिए समस्तीपुर, 4 लाख पासवान मिलेगा। चलिए दरभंगा, 3.5 लाख पासवान मिलेगा। जहानाबाद से गया चलिए, 10 लाख पासवान मिलेगा। औरंगाबाद में घुस जाइए, पासवानों की संख्या देख लीजिए। सासाराम में घुस जाइए, पासवानों की संख्या देख लीजिए। बक्सर, आरा, भोजपुर जिला में जाइए, पासवानों की संख्या देख लीजिए। 14-15% ऐसी पुरा दीजिएगा। मोतिहारी और चलिए चंपारण में 10 लाख पासवान से कम निकल जाएगा ना भाई साहब, तो नीतीश कुमार के पैर के नीचे गर्दन काट करके डाल देंगे। अरे भाई, से भी तो आप डाले ही रहते थे, हनुमान बने रहते। अरे साहब, हनुमान का डेफिनेशन मैं दे दिया, हम असली नकली नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मैं जिसके हनुमान था मैं अंकित जी उसका विरोध भी आज कर रहा हूँ। मैं आज विरोध कर रहे हैं, नीतीश जी का विरोध करने लगे। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई? जब मेरी जाति ही नहीं बचेगा, मेरा घर ही नहीं बचेगा, मेरा परिवार नहीं बचेगा, तो ऐसी राजनीति करके क्या करेंगे? और अंकित जी एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के खिलाफ और चाचा नीतीश कुमार के खिलाफ मैं और मेरी पार्टी बिहार के सभी पासवान भाइयों से बात हो रहा है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए नहीं, जातीय जनगणना में त्रुटि है, गड़बड़ झल्ला हुआ है, झाला हुआ है साहब, खेला किया गया, खेला हो गया। ये खेला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी का तो इसे भी फेमस है कि खेला कर देते थे कभी भी, लेकिन अब इसमें भी खेला हो गया। अब खेला इसमें भी हो गया, हमारी जाति के मनोबल को तोड़ा गया है, कम दिखाया गया है, कम दिखा करके भागीदारी ना देने का प्रयास है। इसमें नीतीश जी का क्या फायदा है? तो नीतीश कुमार जी का फायदा नहीं है, तो लोटा गिनने वाले, मकान गिनने वाले और पोटा गिनने वाले हमारे माननीय शिक्षक महोदय से जब ये काम करेंगे तो कितना काम बेचारा करेंगे? पढ़ाएंगे कि जनगणना करेंगे तो वो लोग भी मकान गिन करके गोटी बैठा दिया, फिट कर दिया, कहीं मकान पे 3 गो, कहीं 5 गो, कहीं 4 गो, कहीं 2 गो, कहीं 1 गो। लेकिन तो उतना गिना तो यादव लोग बढ़ गए और आप लोग घट गए। यही तो खेल है, शिक्षकों में सबसे ज्यादा यादव लोग है। अच्छा, क्यों में जातिवाद? सबसे ज्यादा कुर्मी भाई लोग है, आप डेटा उठा के देख लीजिए। अच्छा, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने अपने को डाल दिया, हमारी संख्या कम, रिजर्व वाले लोग। और आपको बता दूं, बहुत मैं जिस समय एक और बात कर रहा हूं, जिस समय अगर संख्या की बात होती है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए 9 बच्चे को पैदा किया, जन्म दिया, तो हमारे जाति के भी दुसाद भाई लोग उस समय उस जमाने में 9 बच्चा 7 बच्चा 5 बच्चा से कम कोई पैदा नहीं करता था। अच्छा। और आज भी 5 से 3 बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो भैया यादव 12 से 14% मतलब भागीदारी लेने के लिए लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए मतलब ऐसे ऐसे करने चल जाएंगे। अरे करते हैं भैया, जनसंख्या तभी ना बढ़ेगा जब हम ब्याह करके 7 को बच्चा 9 को बच्चा पैदा करेंगे, तभी ना होगा। अच्छा। और हम हमारी जाति कर रही है, हमारी जाति को अनदेखी की गई है। सुन लीजिए, ये जो अब तो जनसंख्या हो गया अंकित जी, गिन लिया आपने,
अब भागीदारी की बात है, बिहार में 37 वर्षों से ओबीसी की सरकार है, यानी यादव कुर्मी की सरकार है। हमको किसी जाति से द्वेषता नहीं है, लेकिन आपकी भारी आपकी संख्या के अनुसार भागीदारी मिल गया। माननीय काशीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भैया आपकी तो भागीदारी 90 से लेकर के लालू राबड़ी 2004 तक, 2005 तक, 2005 से लेकर के नीतीश और सुशील मोदी और कौन कौन सब थे पिछड़ा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और दो बार भाई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तो अब तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई। अब बिहार में दूसरे नंबर का संख्या वाला सबसे ताकतवर जाति दुसाद है, पासवान है। अब इंजीनियर राजकुमार पासवान कब मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तेजस्वी भाई चाचा लालू प्रसाद यादव जी, चाचा नीतीश कुमार जी कब सांसद बना रहे हैं? कब मुझे सदन में पहुंचा रहे हैं मंत्री? अब आप मुख्यमंत्री बनिएगा। क्यों नहीं साहब, अब मेरा टाइम आया। 37 वर्ष कम होता है क्या? तो हमेशा सुन लीजिए, बिहार में 3 जातियां एक हो गया। कौन कौन? मुस्लिम में भी अति पिछड़ा में है, दलित अति पिछड़ा और मुस्लिम भाई लोग एक हो गया ना, इस सभी की दुकानदारी बंद हो जाएगी। अच्छा एक सवाल आपसे करूंगा, आपने कहा था कि चिराग पासवान की गंदी राजनीति शुरुआत में ही कहा था, तो चिराग पासवान भी तो इस पे बोल ही दिए साहब। बिहार में पूरा बिहार का दूसरा जानता है, पासवान जानता है और भी जाति के लोग जानता है कि अगर बिहार में मुखर होकर के किसी ने बोला और करीब 3 मिलियन के करीब पहुंचने वाला वीडियो है, देखा लोगों ने, सराहा राजकुमार भैया जिंदाबाद किया, तो सबसे पहले बोलने वाला इंजीनियर राजकुमार पासवान है। ये शाही पासवान परिवार पार्टी नहीं जो 50 साल मलाई खाया, इस रिजर्वेशन से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा तो यही चिराग पासवान कुनमा को है। ये पासवान परिवार इसलिए करवाई गई है जनगणना, वो गरीब दुसाद को मिलेगा। इस ताकत पे ये एनडीए से 6 गो सीट लेंगे, 7 गो सीट लेंगे और ये लड़ाएंगे घर के अपने परिवार को। किसी गरीब दुसाद को देगा? किसी इंजीनियर राजकुमार पासवान गरीब को देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए बिहार में अब परिवारवाद भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, शाही पासवान परिवार पार्टी की खत्म हो जाएंगे। साहब ये लोग क्यों नहीं जा रहे कोर्ट? इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना पार्टी, ये बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिहार के पासवानों से अपील करते हैं कि मुझे मदद करो, हमारी जाति के साथ खेला किया गया है, कम दिखाया गया है। हम कोर्ट में अपील करेंगे और ये सरकार को बताएंगे कि हमारी जाति कहाँ कहाँ है। यही नहीं, अगर ये नहीं माने तो हमारी शुरुआत हो चुकी है पूरे बिहार में। चिराग पासवान एक रामविलास पासवान, तो ये चीज आपको साफ कर दूं कि ये लोग कभी भी पासवान दुसादो के हितैषी नहीं हो सकते। बिहार में सभी जातियों के साथ, 4-5 जाति छोड़ करके सभी के साथ खेला कर दिया गया है, सभी के साथ खेला कर दिया गया। पटना में 4.5 लाख कायस्थ समाज है, लाला, दरभंगा में लाला है, मुजफ्फरपुर में लाला है, सिवान में लाला है। 0.% दिखाया गया। अरे भाई ये कैसी जाति जनगणना? बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान आपका हनुमान हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमारी जाति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो, ऐसा द्वेषता न करो कि हमारी जाति को कम संख्या कम दिखाया गया। इसलिए भैया हम यही कहेंगे कि जिस मुखरता के साथ मैंने सरकार को समर्थन दिया उसी मुखरता के साथ आज मैं विरोध भी कर रहा हूँ आपका, और हम जाति के साथ खड़ा है। इसके लिए आप मुझे फांसी पे भी टांग देंगे, हम फांसी पे टंगने के लिए तैयार हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग, आरक्षण को बचाने वाले लोग हैं, अपने समाज जाति को बचाने वाले लोग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे जो कि नीतीश कुमार जी के हनुमान के नाम से प्रचलित थे और लगातार उनके समर्थन में बयानबाजी किया करते थे, लेकिन अब वही इंजीनियर राजकुमार पासवान उनके विरोध में, पासवान समाज के समर्थन में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए और लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं।
आगे बने रहेगा इस तरह की वीडियो के साथ, वापस आते रहूंगा। हालांकि जातीय जनगणना के बाद आप क्या सोचते हैं, इसमें जो जातीय जनगणना में जो समीकरण बनाया गया, जो जातियों का संख्या बताया गया, उससे आप कितना संतुष्ट है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पब्लिक प्रोफाइल देख रहे हैं, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है, बहुत बहुत धन्यवाद।